वावल आपके लेफ्ट हैंड में पॉइंटर से दिखाने, वावल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, छोटी उंगली क्या है? ए, दूसरी ई, लंबी आई, ये ओ, ये यू, क्लियर वावल बंद। अब आगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब रेगुलर चलेंगे, हम यहाँ ख्याल रखना आपने, आपने रेगुलर चलना। अब हम पूरे अल्फाबेट जो है रेगुलर, देखिए मैंने ये खाना ए, ये क्या है? ए, ठीक है, मुट्ठी बंद और बाद में ऐसे, देखो कितना अच्छा है ना, मुट्ठी ऐसे छोटा भी, ये क्या बन गया? राइट हैंड से ऐसे दिखाना, सी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, के बाद ई, कहाँ है? इसको सेंटर से काटना, देखो यहाँ से काटा एफ और यहाँ सेंटर से काटा एच, है ना, एच के दो डंडे हो गए ना, एच के बाद आई, कैसे आई कहाँ है? ठीक है, लंबी उंगली, वेरी ऐसे दिखाएंगे बच्चे क्या लिखेंगे, आई, आई के बाद जे, देखो हाँ पूरा मुट्ठी बंद करो ना, ये मुट्ठी, ये बाकी उंगली बंद करेंगे ऐसे, जे, जे के बाद ऐसे आप करो पॉइंटर करो के, ये क्या बन गया? के बाद एल, एल पूरा, देखो यहाँ आप क्यों गलत कर रहे हैं, ये तो जेब बना रही हो पूरा राइट, ये क्या बन गया? जे, ये क्या बन गया? एल, एल के बाद याद रखो राइट लेफ्ट हैंड की हथेली उस पर तीन उंगलियां, एम, एम के बाद एल, नहीं एल, एन के बाद ओ, कैसे वो नहीं करना फिर ऐसे, नहीं ओ, गुड, ये देखो ओ के बाद यू, ओ के बाद बी, ओ के बाद हाँ, ओ के बाद पी, अब तो चलो कोई बोलते यू में भी देखो ये पी, ये क्या है ये पी, पी के बाद क्यों ऐसे रखो इस उंगली के साथ, क्यों, क्यों के बाद आर, आर के बाद एस, छोटी उंगली क्रॉस देखो, एस के बाद पॉइंटर लगा लो, है ना, टी की शेप, टी के बाद यू, यू आ गया, अरे बहुत बढ़िया, ये ऐसे दिखाना है इस पर, उसके बाद वी, सबको पता वी के बाद डब्ल्यू को बना दिया ऐसे, ठीक है ना, डब्ल्यू के बाद पॉइंटर वाली उंगलियां, यहाँ कंफ्यूजन क्या है, छोटी उंगली एस और ये वाली एक्स के बाद, एक्स के बाद मैडम बोली टी, ये भी आप उधर ही चला था, हाँ वाई, वाई के बाद जनाब, अरे जेड, क्लियर हो गया।